जय हिंद अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं मास्टर आशीष कुमार, इंदौर मध्य प्रदेश से। लगभग 8 महीने पूर्व आपका एडिनो टॉन्सिलेक्टोमी अशोक बेस्ट हेल्थ केयर हुआ था और अब ऑपरेशन के बाद में आप हमारे साथ में हैं। आशीष जी कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक हैं? और अब कैसे हैं आप? ऑल ओवर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। साथ में हैं आशीष के परिजन, पिताजी। बच्चे का एडिनोटॉन्सिल सर्जरी हमारे यहाँ हुआ, उसके बाद इसके शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? सर अच्छा रहा, मतलब ग्रोथ में भी, मतलब हाइट में भी थोड़ा बेनिफिट मिला। जी। और करीबन 4 महीने तक कान के जो पस जाते थे वो भी बंद ही हो गया। जी। अभी ये ठंडी के मौसम में थोड़ा अभी वापस रिटर्न चालू हुआ है जी। तो गर्मी के मौसम में तो कान बहना भी बंद हो गया। वेरी गुड। तो कान की स्थिति पर भी सुधार हुआ। हाँ। और बच्चे के कान में उस समय दोनों कानों में पर्दों में छेद था, बायलेटरल सीएसएम था। और आप हमारे पास में कान के पर्दों के उपचार के लिए आज पहुंचे हैं और उससे पहले हम जांचना चाहेंगे कान की क्या स्थिति है। जी सर। सबसे पहले हम राइट ईयर को एग्जामिन करेंगे। सेवरॉन प्लीज। सो हियर वी सी सबटोटल परफोरेशन, कान के पर्दे में छेद है और मध्य कर्ण में गलन चल रही है, डिस्चार्ज हम देख पा रहे हैं। ठीक है। और अब हम दूसरे कान की स्थिति का अवलोकन करेंगे। बच्चे इधर घूम जाइए। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ हमें सब टोटल परफोरेशन दिखाई दे रहा है। बच्चे अब आप जब रात को सोते हैं तो मुंह खोल करके सांस तो नहीं लेना पड़ता? नहीं। अब आराम से सांस ले पाते हैं नाक से? यस। ठीक है। तो अब दूरबीन द्वारा कान के ऑपरेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है मास्टर आशीष, इंदौर मध्य प्रदेश से। आशीष जी आपके गांव का क्या नाम है? सागर मेसा। अच्छा। आज आप हमारे पास दूसरी बार ऑपरेशन थिएटर पहुंचे हैं। लगभग 8 महीने पहले आपका ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था पहले आपका? टॉन्सिल का हुआ था गले में। जी गले और नाक का। तो टॉन्सिल का जो ऑपरेशन हुआ उससे पहले आपको क्या तकलीफ थी? नाक से सांस लेने में दिक्कत आती थी, अब मैं आराम से सांस ले पाता हूँ नाक से। जी। ऑपरेशन के बाद का 8 महीने का ये समय कैसा रहा? ठीक रहा। अब जो पहले आप मुंह खोल के सांस लेते थे, माउथ ब्रदर थे, तो अब आराम से नाक से सांस ले लेते हैं। हाँ। दांत दिखाइए। अब हम देख पा रहे हैं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है। आपकी लंबाई कितनी बढ़ गई? 1 फीट लगभग है। 2-3 फीट। 2-3 फीट बढ़ गई। तो हम देख सकते हैं बच्चे का एडिनोटॉन्सिल ऑपरेशन हुआ था। 8 महीने में बच्चे ने अच्छी ग्रोथ की है। पहले की तुलना में इनकी जो बिल्ट और हाइट है वो बहुत अच्छी हो गई है और अब ये आराम से नाक से सांस ले पाते हैं। और इनके चूंकि दोनों कानों के पर्दों में भी छेद था, अब यहाँ क्यों आए हैं आप? कान का ऑपरेशन कराने। जी। कान के पर्दे में छेद है। जी। तो आज दूरबीन से आपके दोनों कानों का ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है। ऑपरेशन के दौरान पश्चात हम फिर से बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आशीष जी, आपके लेफ्ट ईयर की सर्जरी कंप्लीट हो गई है। हम कान के आंतरिक हिस्से को देख रहे हैं, यहाँ हमें जेल फोम दिखाई दे रहा है। और अब हम कान के पिछले हिस्से को देखना चाहेंगे। और हम कान के पिछले हिस्से को देख रहे हैं, ये नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का चीरा, कट, टाँका, निशान नहीं है क्योंकि पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ। एक बार आशीष जी से मिलवा दीजिए। आशीष जी कैसे हैं? आँखें खोल लीजिए। तो हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। जीभ दिखाओ। क्या नाम बताइए आपका? आशीष। आशीष जी कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छी नींद आई आपको? हाँ। अच्छा, ये आपका एक कान का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ। अब दूसरे कान का ऑपरेशन शुरू करेंगे। ओके। हाँ ओके, गुड।
आशीष जी कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया हैं। आपके दूसरे कान का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है और हम कान के आंतरिक हिस्से को देख रहे हैं। एक बार कान का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए। और हम कान के पिछले हिस्से को देख रहे हैं, ये नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टांका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। और अब हम आशीष जी से मिलना चाहेंगे। मास्टर आशीष कैसे हैं? बढ़िया हूँ। बढ़िया हैं, ठीक है। आपके दोनों कानों का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। आप ड्रेसिंग करके आपको पापा के पास भेजेंगे। ऑपरेशन में कोई दर्द तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है, ओके।